हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और आज मैं क्लास 7 का बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, नाउन, जैसा कि आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। सो विदाउट टेकिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो सबसे पहले बेटा तो आपको यही समझना है कि एक्चुअली में नाउन क्या है। तो बेटा जो नाउन होता है ना, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, एक पार्ट है, जिसको हम कहते हैं अ नेम ऑफ एनी पर्संस प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स इवन इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स इज अ नाउन। ये बात समझ में है बेटा? जो नेम हो किसी भी, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो किसी एनिमल्स का नाम हो या किसी थिंग्स का नाम हो, इवन जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। आप सिंपल सा एक चीज़ बोल सकते हो कि दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमारी जो क्लैरिटी है ना, वो और क्लियर हो जाती है। अब देखो, पर्संस की बात करें तो पर्संस में जैसे आप ले सकते हो क्या, विराट। प्लेस की बात करें तो प्लेस में आप क्या ले सकते हो बेटा, कहाँ रहते हैं हम लोग, वेरी गुड, ग्वालियर। एनिमल्स की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, लॉयन। थिंग्स की अगर बात करें तो मेरे हाथ में क्या है, हाँ वेरी गुड, मार्कर। इमोशंस की बात करें बेटा तो आप इमोशंस में क्या ले सकते हो, हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड, इमोशंस फीलिंग, जिसको आप बोल सकते हो क्या, लव। थॉट की बात कर, कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स में हम क्या ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड, थॉट। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाउन हैं बेटा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, टाइप्स ऑफ अ नाउन। मीन्स जो एक नाउन होता है ना, उसके कितने टाइप हो सकते हैं। सो बेटा बहुत ही सिंपल है, सबसे पहला जो टाइप आता हो क्या आता है बेटा, हाँ वेरी गुड, प्रॉपर नाउन्स। बताओ बेटा प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, हाँ वेरी गुड, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्संस प्लेसेस थिंग्स, इसके अलावा कुछ भी बेटा। याद रखना, पर्टिकुलर जो नाम होता है ना, चाहे वो किसी पर्संस का हो, चाहे किसी प्लेस का हो, चाहे किसी थिंग्स का हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, हाँ वेरी गुड, मैंने लिखा जया। तो जया क्या है बेटा, पर्सन है, प्रॉपर नाम है, याद रखना। फिर हम बात करें प्लेस, प्लेस में क्या ले सकते हैं, आई लव माई इंडिया,
इंडिया। ओके, थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में क्या ले सकते हैं बेटा, जो प्रॉपर नाम हो। हाँ बोलो बेटा, हाँ वेरी गुड, एल्कोस, पेन, एल्कोस पेन, तो ये बेटा क्या है, प्रॉपर नाम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसमें एक छोटा सा नोट देख लो बेटा, नोट क्या देखना बेटा, जो प्रॉपर नाउन होता ना, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल बताओ बेटा। हाँ वेरी गुड, अनकाउंटेबल होगा। क्यों? अब आपके माइंड में ये भी एक चीज क्लिक करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, जो प्रॉपर नाउन्स होता है वो अनकाउंटेबल क्यों होता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा नंबर्स में एक ही होते हैं। कोई भी चीज काउंटेबल तभी बनेगा जब उसके नंबर दो या दो से ज्यादा होंगे। जब कोई चीज सिंगल फॉर्म में रहता है ना, तो इसलिए उसको हम काउंटेबल ही मानते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि नाम जैसे है बेटा इंडिया, अब इंडिया कई सारा थोड़ी है क्या, नहीं बिल्कुल। या मैंने जैसे बोला रोहन, अब किसी भी लड़के का नाम रोहन है तो वो तो अकेला ही होगा, उसके जैसा तो कोई होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, अनकाउंटेबल। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल, तो योर आंसर विल बी अनकाउंटेबल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा बढ़ते हैं हम क्या, सेकेंड टाइप पर। किस पे जाते हैं बेटा, सेकेंड टाइप पे। और जो सेकेंड टाइप है इसको हम बोलते हैं क्या, हाँ वेरी गुड, कॉमन नाउन्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कॉमन नाउन्स। नाम से समझ में आ रहा है, जनरल नेम्स ऑफ पर्संस प्लेसेस थिंग्स एटीसी। मतलब जो जनरल नाम होता है, जनरल नाम का मतलब हो गया जो सबके लिए अप्लीकेबल हो जाए, पर्टिकुलर एक जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए जो सबके लिए कॉमन हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आप इसको देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला जया, अब जया क्या है बेटा, गर्ल है, तो ये जो गर्ल टर्म्स है ना ये सबके लिए आ जाएगा, चाहे वो जया हो, चाहे रीना हो, चाहे रुचि हो, हाँ ये सबके लिए आ जाएगा। ऐसे मैंने बोला इंडिया, अब इंडिया क्या बेटा, कंट्री है, तो कंट्री जो टर्म्स है ना ये सबके लिए आ जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया हो। फिर जैसे हम बात करें एल्कोस पेन, तो इसमें से केवल अगर हम पेन की बात करें, सो पेन इज योर कॉमन नाउन, क्योंकि पेन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रेनॉल्ड्स पेन होता है, एल्कोस पेन होता है, वो सारे जो हैं वो क्या है, प्रॉपर है। लेकिन केवल जो पेन है ना ये क्या है बेटा, कॉमन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक नोट देख लो बेटा, नोट जो है ना, जो कॉमन नाउन होता है ना ये काउंटेबल होता है। क्या होता है बेटा, काउंटेबल, मीन्स इसको आप गिन सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, गिन सकते हो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मीन्स अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, टाइप नंबर थर्ड को देखता हूं बेटा, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन्स। क्या मैंने बोला बेटा, कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है ये कलेक्शन होगा, इन मीन्स एक ग्रुप होगा, और ग्रुप किसका हो सकता है, हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड, वो ग्रुप हो सकता है पर्संस का, प्लेसेस का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, मींस किसी का भी हो सकता है, ये याद रखना बेटा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा चेक करते हैं।
एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला बेटा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आई बात समझ बेटा? या फिर हम बोल सकते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फिर मैंने बोला, यहां लिख रहा हूं बेटा, नहीं नीचे ही देखो, मैंने फिर आगे लिखा आ लीग ऑफ नेशंस, और फिर मैंने लिखा अ प्राइड ऑफ लॉयंस। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, जो स्टूडेंट्स का समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। जो सोल्जर्स का समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। जो नेशंस, स्टेट, इस टाइप के जो नेम होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लीग बोलते हैं। क्या? लीग। इसके बाद जो लॉयंस का ग्रुप होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइड बोलते हैं। ये आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। याद रखना बेटा, अभी मैं कुछ कलेक्टिव नाउंस के और एग्जांपल बताऊंगा आगे थोड़ा सा, ओके? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है, हाँ बोलो बेटा, मटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मटेरियल नाउन्स। नाम से समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी नाउन जिससे हम कोई नई चीज बना लें, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो अ नाउन दैट कैन यूज टू मेक अ न्यू थिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब एग्जाम्पल देख लो जरा, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं लेकिन इस मार्कर के अंदर जो इंक है ना, दिस इज योर मटेरियल नाउन। या फिर जैसे हम बात करें, आपके घर में मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय किससे बनता है? शुगर से, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। या मिल्क, मिल्क भी क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके? आयरन हुआ, स्टील हुआ, कॉपर हुआ, दीज आर मटेरियल नाउन्स। गैसेस जितनी भी होती हैं वो सब मटेरियल नाउन ही होती हैं। सॉलिड जितने होते हैं मटेरियल नाउन होते हैं। लिक्विड थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती है बेटा? दीज आर मटेरियल नाउन्स। अब इसमें एक नोट थोड़ा सा याद रखना बेटा, नोट में आपको ये याद रखना है, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ना वो अनकाउंटेबल होते हैं। मींस वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन्स, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ओके? अब इसके बाद अगला टाइप देखते हैं बेटा। अगला जो टाइप है वो आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कौन सा नाउन है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाम से समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी नाउन जो फीलिंग के रूप में आ जाए, इमोशंस के रूप में आ जाए, कॉन्सेप्ट्स के रूप में आ जाए, आइडियाज के रूप में आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला इसमें क्या, अ नाउन दैट शोज फीलिंग्स, एक्शंस कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा ETC। मीन्स ऐसा कोई भी नाउन जो फीलिंग्स को शो करे, एक्शंस को शो करे, कॉन्सेप्ट को शो करे, आइडियाज को शो करे, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उसी को। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा लव, तो लव क्या है बेटा? फीलिंग है। क्या है?
फीलिंग है, या जिसको आप बोल सकते हो एक इमोशंस है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। एक टर्म्स मैंने लिखा डिफेंस। डिफेंस बेटा क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन है। फिर मैंने आपके सामने लिखा बेटा थॉट। तो थॉट में नए नए क्या जनरेट होते हैं? हाँ, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट। तो थॉट क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें एक नोट बेटा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए? ध्यान से देखना नोट में, याद रखना। जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा? अनकाउंटेबल। मीन्स आप इनको भी गिन नहीं सकते आप। आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ नाउन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसको दोबारा से वीडियोस को देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा क्या करना? राइट करना। उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं। आई होप बेटा आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियोज़ को खुद भी देखिएगा, और आपकी फैमिली में ऐसे लोग या आपके रिलेटिव में ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी वीक है ना, आप उनको दिखाइएगा। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके, अब बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जो नाउन होता है ना, इसको फर्दर हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। वो दो पार्ट क्या होते हैं बेटा, वो ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा नाउन, तो इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक काउंटेबल। काउंटेबल नाम से समझ में आ रहा, जिसको आप गिन सकते हो। और एक होता है बेटा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अब देखो जरा ध्यान से, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, इसमें बेसिकली एक तो आता है आपका कॉमन नाउन। जो आपका कॉमन नाउन होता है बेटा ना, वो कौन सा नाउन होता है? काउंटेबल, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये दोनों आपके क्या होते हैं बेटा? काउंटेबल होते हैं। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, क्या अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में एक तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा प्रॉपर। प्रॉपर क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, प्रॉपर मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये कैसे नाउन होते हैं बेटा? हाँ, वेरी गुड, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये समझ में आ गई ना, तो थोड़ी सी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली हैं। जैसे आप NDA की तैयारी करोगे, या CDS की तैयारी करोगे, या SSC में जाओगे, या बैंकिंग फील्ड में जाओगे ना, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। सो अब उसमें थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो बेटा, अब उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना आपको काउंटेबल। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, CN मतलब काउंटेबल नाउन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा UCN, UCN मतलब अनकाउंटेबल नाउन। क्या लिखा मैंने?
अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से समझना बेटा। हाँ, और यहां पे मैंने लिखा एग्जाम्पल। क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है। सबसे पहले स्टार्स, स्टार्स आपके काउंटेबल होते हैं। फिर मैंने लिखा रुपीस, रुपीस भी आपका क्या होता है बेटा? काउंटेबल होता है। फिर मैंने आपके सामने लिखा सेकेंड्स, ये क्या होते हैं आपके? काउंटेबल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं बेटा काउंटेबल, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। हाँ, अनकाउंटेबल में क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा। इसके बाद फिर मैंने आपके सामने लिखा नॉलेज, अनकाउंटेबल होता है। फिर मैंने आपके सामने लिखा टाइम, टाइम भी क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल होता है। ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। मनी, मनी के अंदर जो डॉलर आता है ना, पाउंड, स्टर्लिंग, एन, युआन, ये सब काउंटेबल होते हैं। रुपीस काउंटेबल होता है। आप कभी मम्मी से ये नहीं बोलते हो, मम्मी मुझे आज 4 मनीज दे दो, कभी आपने बोला? अगर बोलते हो बेटा तो रॉन्ग है। ओके, क्यों? क्योंकि मनी के अंदर बहुत सारी करेंसीज आती हैं, वो करेंसीज काउंटेबल होती हैं। सेम हम बात करें टाइम, टाइम का यूज जब हम टाइम के सेंस में करते हैं, मतलब समय के सेंस में करते हैं, तो इन दिस केस टाइम इज अनकाउंटेबल। ओके, नॉलेज अनकाउंटेबल है ही, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टार कैसे काउंटेबल है। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे, जो आपका स्काई है ना, स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे पोल स्टार है, डॉग स्टार है, तो ये कहीं ना कहीं कैसे हैं? काउंटेबल हैं, तभी तो आप इनको गिन पा रहे हो, अन्यथा आप गिन पाते क्या? नहीं। अब एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसमें आपको समझना है कि इनके साथ हम वर्ब का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मीन्स इनके साथ वर्ब कैसे आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, ये एस फॉर सिंगुलर है। अगर प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एन, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। बात समझ में आई? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस केस में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ओके, व्हाई? बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। अगर वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो एडजेक्टिव देख लो बेटा, हम एडजेक्टिव कैसे लगाते हैं इनके साथ। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में बेटा आप इसके साथ मैनी लगा सकते हो, आप फ्यू लगा सकते हो, आ नंबर ऑफ लगा सकते हो। याद रखना बेटा, ये मैं जो लिख रहा हूं ना, केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सम, सफिशियंट, एनफ, आप ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज कर सकते हो। मैनी आ भी होता है, ऑल हो सकता है, तो वहां कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे मैनी की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं मैनी को मच से, आ फ्यू को रिप्लेस करते हैं आ लिटिल से, आपने पढ़ा होगा आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, और आ नंबर ऑफ को रिप्लेस करते हैं क्वांटिटी ऑफ से। कैसे बेटा? क्वांटिटी ऑफ से। इसके बाद अगला देखो बेटा ध्यान से, अगला जो है आर्टिकल, आर्टिकल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आर्टिकल में बेसिकली 3 होते हैं। सो देखो यहां ए भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, एंड द भी लगा सकते हो, मतलब
आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, अर्थ के अनुसार आप वहां देख लेना कौन सा अर्थ कैसे निकल रहा है। ओनली द कैन बी यूज, लेकिन यहां पे केवल आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। ओके, बात समझ में आई बेटा? आई होप इतनी जो बात मैंने आपको समझाई ना, ये आपको समझ में आ गई होंगी। वर्ब इसके साथ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, यहाँ केवल सिंगुलर होगा अनकाउंटेबल के साथ। एडजेक्टिव यहाँ मैनी या फ्यू, अ नंबर ऑफ हो सकता है, यहाँ मच अ लिटिल और अ क्वांटिटी ऑफ हो सकता है। आर्टिकल यहाँ पे ए एन और द कोई भी हो सकता है, यहाँ पे केवल द होगा। अब एक काम करते बेटा, एक तो एग्जाम्पल चेक करते हैं। ओके, देखो आपको लगाना है, आप ध्यान से देख लेना। जैसे लिखा मैंने मनी और फिर मैंने लिखा बॉय और फिर मैंने लिखा ईयर और फिर मैंने लिखा वाटर। क्या लिखा मैंने? वाटर। और फिर मैंने आपके सामने लिखा टेबल और फिर मैंने आपके सामने लिखा पेन और फिर मैंने आपके सामने लिखा नॉलेज और फिर मैंने आपके सामने लिखा ब्रेड। क्या लिखा? ब्रेड। ये कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं बेटा। अब जैसे देखो मनी क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, तो देख लो इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, मच लगा सकते हो, अ लिटिल लगा सकते हो, क्वांटिटी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अर्थ पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस आप पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां आप मच लिख सकते हो। बॉय है, काउंटेबल है ना बेटा, तो आप यहां देखो एक चीज याद रखना, बॉय लिखा है ये सिंगुलर है, पहले से ही आपको पता है, तो सिंगुलर है तो या तो ए लगा पाओगे या तो एन लगा पाओगे, ये नहीं लगा पाओगे याद रखना। तो यहां पे आप लिख दो आ बॉय, एन तो लगेगा ही नहीं। ईयर है सेम, काउंटेबल ही होता है, तो यहां पे भी क्या लगाओगे, ए या एन? वेरी गुड, ए लगाओगे आप। वाटर है पता ही है अनकाउंटेबल है, तो मच लगाओ, आ लिटिल लगाओ या क्वांटिटी ऑफ लगाओ, जो लगाना वो लगा दो। लो मैंने आ लिटिल लिख दिया, आ लिटिल मतलब थोड़ा। टेबल सिंगुलर है, आ टेबल हो जाएगा। पेन, आ पेन हो जाएगा। नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो मच लिख लो, आ लिटिल लिख लो, लिटिल लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता ही है, तो मच लिख सकते हो, लिटिल लिख सकते हो, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बढ़ रहे हैं इसका बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, आई होप आपने ले लिया होगा। आगे थोड़ा सा बेटा हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। ओके, मैंने क्या लिखा, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। याद रखना है जो मैं लिख रहा हूं इसको आप याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला था बेटा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे बेटा, चाहे अपने स्कूल का दो या फिर कोई ओलंपियाड दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके उसमें आ सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला दिया है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब जो ट्रीज का ग्रुप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा इसमें दिया है अ स्वीट ऑफ रूम्स, ये स्वीट है बेटा याद रखना, हाँ जो आप खाते हो ना, प्रोनंसिएशन वही सेम है, तो ये अ स्वीट ऑफ रूम्स हो गया, मतलब रूम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं। आगे दिया आंट्स, आंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, आर्मी भी बोलते हैं बेटा याद रखना। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा कि एक कोई पर्टिकुलर एनिमल है या पर्सन है उसके उस ग्रुप को हम अलग अलग टाइप से भी बुलाते हैं, बट उसका क्या होता है, वो ग्रुप का जो वहाँ पे फंक्शन होता है ना वो अलग टाइप से होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम उसको अलग टाइप से बुलाते हैं। जैसे पीपल है, अभी यहाँ मैं नीचे समझाऊंगा,
अब पीपल है तो पीपल के ग्रुप को हम देखो यहाँ अलग अलग टाइप से बुला रहे हैं, अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा। तो जैसे आंट के ग्रुप को हम आर्मी भी बोलते हैं बेटा, वहाँ भी कंफ्यूज मत होना। आगे दिए स्टार्स, स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ऐसे कीज है, कीज के ग्रुप को बंच भी बोलते हैं, और बनानास के ग्रुप को भी बंच बोलते हैं, मैंगोस के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बोलो। देखो बेटा, अगर जैसे मैंगो है तो एक कोई ब्रांच है, उस ब्रांच पे जैसे 5 या 6 मैंगोज़ का एक ऐसे ग्रुप है, तब तो उसको आप बंच बोलोगे। लेकिन कहीं पे तोड़ के ऐसे रखा हुआ है, बहुत सारा ऐसे एक जगह पे इकट्ठा किया गया है, क्या मैंगोज़, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बोलो। हाँ बताओ क्या बोलते हैं बेटा? हाँ तो क्या बोलते हैं बेटा? हीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं अप्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? प्राइड बोलते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे दिया अक्योर ऑफ सिंगर्स, तो जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्योर्स। आगे फिर इसमें दिया फिश, फिश का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। ओके, आगे फिर इसमें दिया ड्रावर्स, ड्रावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? चेस्ट बोलते हैं। और डांसर्स, डांसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रूपे बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद पपीज, पपीज हुआ या जो पिक्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं। क्या? लिटर। सिप्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लीट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स यूज फॉर द पीपल, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों का अलग अलग ग्रुप क्या कहलाता है। जैसे इसमें दिया ना ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच, जैसे लोगों का एक समूह है वो मैच को जब देखता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्टेडियम में जो बैठे होते हैं स्पेक्टेटर्स। क्या? स्पेक्टेटर्स। फिर आगे दिया है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या होता है, रिलीजियस गैदरिंग होता है, जैसे कोई लोग कोई जैसे प्रीस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वहाँ प्रीच करता है, तो लोग उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। तो वो जो गैदरिंग होती है ना लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। अब इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, अब आप लोग सपोज करो 8, 10, 15, 20, 50 लोग होते, तो वो जो ग्रुप आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा? ऑडियंस बनेगा। ये ज़्यादातर केस में बेटा सेमिनार वेमिनार के केस में जाता है। किस में? सेमिनार के केस में जाता है। जब कोई लेक्चर देता है तो उसका जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं। इसके बाद दिया है कि जब कुछ लोगों का ग्रुप किसी मुद्दे पर या किसी डिसीजन के लिए जब वो इकट्ठा होते हैं और उस पर क्या करते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं और अपने विचारों को रखते हैं ना, तो वो जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? असेंबली। जैसे आपने देखा होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बैठक होती है तो उसमें जो दो आपका सेक्शन होता है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं ना, तो वो किसी बिल को जब पारित करने के लिए तो आपस में वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो उनका जो ग्रुप होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। आगे दिया है, आपने ऐसा भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है जिनका कोई पर्पज ही नहीं होता। जैसे मार्केट में चले जाओ तो कुछ लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं, मज़े लेके चले आते हैं, घूम घाम के चले आते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। मेले में जाओ वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्राउड बोलते हैं। क्या? क्राउड। इसके बाद होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी डिस्ट्रक्टिव नेचर के लिए बना हो। डिस्ट्रक्टिव मतलब का होता है कि नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ियां जलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। आगे फिर दिया है अ ग्रुप ऑफ सेवेज पीपल, सेवेज पीपल का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, क्रूअल हो, तो उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होडे बोलते हैं। जैसे आदिवासी आदिवासी का ग्रुप देखा होगा आपने, जैसे आप सपोज करो जंगल में जाओ, तो जंगल में जाओगे ना तो आपको सारे आदिवासी एक साइड से आके घेर लेंगे और ये ऐसे लगा देंगे और बोलेंगे हैंड्स अप, तो वो एक तरीके से उनका ग्रुप बन गया ना। तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा बेटा? होडे का होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में तो यही लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। हमें यहाँ अब सीखना है फॉर्मेशन ऑफ
एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स जो आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ये एक्चुअली में बनता कैसे है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बेटा ये। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके सामने जब कोई वर्ड आता है ना, तो उनको यही नहीं समझ में आता ये एडजेक्टिव है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास नॉलेज है वो तो सीधा बता देंगे कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आपका नाउन है। जैसे मैंने बोला एक्शन, तो एक्शन बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक्शन कौन सा नाउन है, क्या है, नाउन है एडजेक्टिव है, तो कन्फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी एक तरीके से क्या है, नाउन ही है। मैंने बोला डेप्थ, तो डेप्थ भी एक तरीके से क्या है, नाउन ही है। तो एक्चुअली में ये बनता कैसे है, वो चीज हम आज यहां पे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो याद रखना कि जो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है ना, वो इट कैन फॉर्म थ्रू वर्ब, एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन। मतलब अगर आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे ना, तो या तो आप वर्ब से बना पाओगे, या एडजेक्टिव से बना पाओगे, या कॉमन नाउन से आप बना लोगे। ये तीन टर्म्स हैं, इन्हीं से ही बनता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना कि जब कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से बनता है, तो इसको बोलते हैं वर्बम नाउन्स। किस नाम से जानते हैं, वर्बम नाउन्स। और जब कोई नाउन कॉमन नाउन और प्लस एडजेक्टिव नाउन से मींस एडजेक्टिव से बनता है, किससे, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से बनता है, तो उसको बोलते हैं बेटा एट्रीब्यूटिव नाउन्स, एट्रीब्यूटिव नाउन्स। वर्बम नाउन्स किससे बन रहा है बेटा, हाँ वेरी गुड, वर्ब से बन रहा है। और एट्रीब्यूटिव नाउन्स किससे बन रहा है, हाँ बोलो, वेरी गुड, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको दिखाऊं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे एक टर्म्स है एमिनेंस, एमिनेंस, याद रखना ये जो एमिनेंस टर्म्स बना है ना, वो किससे बना है, एमिनेंट से बना है, एमिनेंट किससे बना है, एमिनेंट्स। एमिनेंस किससे बना है, एमिनेंट से बना है। और याद रखना यहां जो एमिनेंट है बेटा, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अरे बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लिखा बेटा एबल, तो एबल एडजेक्टिव होता है, एबल से क्या बनता है, एबिलिटी। खुश, लो खुश हो जाओ। या फिर जैसे मैंने आपसे बोला डिफेंड है, अब बताओ डिफेंड क्या होता है, डिफेंड बेटा वर्ब होता है, डिफेंड क्या होता है, वर्ब होता है। और डिफेंड से क्या बना है, हाँ वेरी गुड, डिफेंस बना है, क्या बना है, डिफेंस। ऐसे जैसे मैं बात करूं आपसे, आपने देखा होगा चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा नाउन है, वेरी गुड, कॉमन नाउन है। और चाइल्ड से क्या बना है बेटा, चाइल्ड हुड, क्या बना है, चाइल्ड हुड। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ना बेटा, वो मोस्टली कैसे बनता है, या तो वर्ब से बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल के रूप में आपको दिखा दिया, या फिर किससे बनेगा, एडजेक्टिव से। ऊपर के दो एग्जांपल एडजेक्टिव से हैं, फिर मैंने क्या बताया था, कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन मतलब चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बना है, चाइल्ड हुड। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़ जाए आगे, यहाँ आ रहा पक्का, ओके। अब देखो बेटा, जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए,
पॉइंट्स क्लियर होने का मतलब ये हो गया कि जब आप कोई वर्ड बनाते हो तो उसमें आगे या पीछे कुछ टर्म्स लगाकर हम क्या करते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी में, याद रखना बेटा, इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 90% जो वर्ड्स हैं ना वो ऐसे ही बने हुए हैं, कहीं प्रीफिक्स लग रहा है, कहीं सफिक्स लग रहा है, और कहीं कुछ अंदर के वर्ड्स में हम चेंजेस ले आ रहे हैं, और चेंजेस लाने के बाद उसकी मीनिंग को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और उसका अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रहे हैं। मतलब कहीं नाउन बना दे रहे हैं, कहीं एडजेक्टिव बना दे रहे हैं, कहीं एडवर्ब बना दे रहे हैं, कहीं पे नाउन मीन्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो। तो उसके लिए एक पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसको बहुत ही प्यार से समझना, ओके। जब आप कोई वर्ड बनाते हो तो आपके सामने एक रूट वर्ड आता है, क्या आता है बेटा, रूट वर्ड। इस रूट वर्ड को एक नाम से और भी जानते हैं, अफिक्स। किस नाम से जानते हैं इसको, अफिक्स। इसी रूट वर्ड में आप क्या करते हो, कभी प्रीफिक्स लगाते हो और कभी सफिक्स लगाते हो, और उसके बाद वर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही सेम केस में याद रखना, रूट वर्ड में कुछ टर्म्स का यूज करके, मींस वो रूट वर्ड या तो एडजेक्टिव होगा या तो वर्ब होगा या नाउन होगा, उसी में हम कुछ सफिक्स को लगाकर क्या बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, हाँ देखना जरा ध्यान से। एक वर्ड होता है बेटा मैनेज, आपने जरूर सुना होगा, सुना है, वेरी गुड। ये मैनेज क्या है, रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड। अब इस मैनेज के पहले एक टर्म्स मैंने लगाया, क्या, मिस, इसमें ऐड कर दिया। अब ये बताओ क्या बन गया, ये बन गया यहां पे मिस मैनेज, बना या नहीं। अब आपने जो ये मिस लगाया ना यहां पे क्या है पता है, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स। याद रखना रूट वर्ड के पहले जो हम टर्म्स को यूज करते हैं वो होता है प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो देखो मैनेज में मैंने क्या लगाया, मिस, तो क्या हो गया, मिस मैनेज। अब इसी मैनेज में अगर सपोज करो मैं मेंट लगा दूं, क्या लगा दूं, मेंट, तो यहां पे मेंट पता क्या है, सफिक्स, क्या है, सफिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ बोलो बेटा, यहां ये बन जाएगा मैनेज मेंट, क्या बन गया, मैनेज मेंट। ऐसे मैं बहुत सारे टर्म्स आपके सामने बना के आपको दिखा सकता हूँ केवल और केवल मैनेज से ही। बेटा याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया नियरली 90% जो वर्ड्स हैं ना वो ऐसे ही बने हुए हैं, कैसे, ऐसे ही रूट वर्ड में सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के बनाया। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था बेटा, मैनेज की बात कर रहा, आप देखो मैनेज से मैं एक दो टर्म्स और बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने लिखा मैनेजेबल, क्या लिखा, मैनेजेबल, और पता मैनेज में मैंने एबल लगा दिया, और एबल यहाँ क्या है, सफिक्स है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैनेजेबिलिटी, क्या लिख दिया, मैनेजेबिलिटी। अब पता है इसमें मैंने क्या कर दिया, मैनेजेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी यहाँ पे ए लगा दो बेटा, मैनेजेबिलिटी। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ए जो ई है इसको हमने आई में कन्वर्ट कर दिया और एल आई टी वाई लगा दिया, इसमें क्या हो गया, मैनेजेबिलिटी। इसको हम एक टर्म्स और भी बना सकते हैं, मैनेजेबिली, क्या बना दिया, मैनेजेबिली। अब इसमें एक चीज याद रखना, मैनेजेबिली ई एल वाई, ये जो मैनेजेबल है ना, दिस इज योर एडजेक्टिव, दिस इज योर नाउन, और दिस इज योर एडवर्ब,
ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। और यहां जो मैनेजमेंट है ना, ये आपका क्या है नाउन है। क्या है बेटा नाउन है। आई थिंक मैनेजेबली में ई नहीं आएगा बेटा, यहां से ई हटा दो, इसमें ई नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको आप हटा दो बेटा। अब एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमारे सामने एक रूट वर्ड होगा, उसी रूट वर्ड में हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, और लगाने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को बनाते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ऐसे बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्ड होता है ब्यू, ब्यू से बना है ब्यूटी, और ब्यूटी से बना है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल से क्या बना है ब्यूटीफुली बना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक्चुअली में फॉर्मेशन होता कैसे है, तो आप उसको देख लो। एक्चुअली में जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाते हैं ना, तो रूट जो वर्ड होता है ना, उस रूट वर्ड में हम कुछ सफिक्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कुछ सफिक्स। अब वो सफिक्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा आप देख लो बेटा। देखो मैंने लिखा टी सी आर वाई वाई, कैसे याद करना बेटा, टी सी आर वाई वाई। फिर मैं लिखा जी सी आर ई ई, ये दूसरा टर्म्स याद रखना है, जी सी आर ई ई। और इसके बाद अर्थ की स्पेलिंग आती है, कैसे लिखते हैं बेटा अर्थ, ई ए आर टी एच। तो आपको कुछ नहीं करना, ई आर को बाहर लेना है, ये ई और आर, और इस टी को, टी और एच को बाहर लेना, ये आपका अगला ग्रुप हो गया थर्ड नंबर। इसके बाद होड, मैंने लिखा एक टर्म्स होड, फिर एक टर्म्स लिखा बेटा डम, फिर एक टर्म्स लिखा ईवॉन, और फिर मैंने लिखा मेंट, ये अगला टर्म्स हो गया। और फिर मैंने एक लिखा नेस, क्या लिखा बेटा नेस, और फिर मैंने लिखा सिप। मोस्टली केसेस में याद रखना बेटा, ये जो सफिक्सेस है ना, ये किसी रूट वर्ड में लगकर पता है क्या बना देंगे, जिसकी आप तलाश में हो। याद रखना, कभी कभी वाई भी लग जाता बेटा, जिसकी आप तलाश में हैं, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूं, एग्जांपल के रूप में देख लेना बेटा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एक्ट, सुना है, तो एक्ट से पता क्या बनता है, एक्शन, बिल्कुल सुना होगा। आपने एक टर्म सुना होगा बेटा डीप, और डीप से क्या बनता है डेप्थ, क्या बनता है डेप्थ, देख लो यहां टी एच लगा है, यहां आई ओ एन लगा है। आपने एक टर्म सुना होगा क्या, हाँ बोलो बेटा, हाँ वेरी गुड, आपने एक टर्म सुना होगा, अभी लिखा था मैनेज, क्या लिखा था मैनेज, तो मैनेज से क्या बना दिया मैनेजमेंट। आपने एक वर्ड सुना होगा किंग, और किंग में मैंने क्या लगा दिया किंगडम लगा दिया। या फिर मैंने एक वर्ड दिया होगा आपको मदर, मदर सुना होगा आपने, मदर से क्या हो गया मदर हुड हो गया। या फिर जैसे आपने एक टर्म सुना होगा क्या ब्रदर, ब्रदर से क्या हो जाएगा ब्रदर हुड, क्या हो गया बेटा ब्रदर हुड। या फिर जैसे मैं और आपके सामने टर्म्स लाऊं, मैंने लिखा लॉन्ग, लॉन्ग से क्या हो जाएगा लेंथ, क्या हो गया बेटा लेंथ। इसके बाद जैसे मैंने एक टर्म्स लिखा प्राइवेट, प्राइवेट से क्या हो जाएगा प्राइवेसी, क्या हो गया प्राइवेसी। ऐसे बेटा बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सफिक्सेस हैं उनको जोड़ के आपको बनाना। देखो यहाँ पे आई ओ एन लगा हुआ है, आई ओ एन मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ टी एच लगा है, टी एच मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ मेंट लिखा है, देखो मेंट यहाँ है। आई
आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम सफिक्सेस लगा के क्या बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब एक काम करते हैं बेटा कि कुछ वर्ब्स होती है ना, उस वर्ब्स के लेटर्स में कुछ चेंजेस करके हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। वही हम अब थोड़ा सा देखने वाले हैं। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है नाउन ना, वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो नाउ देखते हैं बेटा उसको। मीन्स आप इसको बोल सकते हो वी कैन फॉर्म एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन अल्टरिंग सम लेटर्स ऑफ द वर्ब। मीन्स वर्ब्स के कुछ लेटर्स को हम क्या करके, कुछ लेटर्स को अल्टर करके हम क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना इसके लिए, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक साइड लिख लो वर्ब और एक साइड लिख लो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक साइड लिख लो बेटा वर्ब और एक साइड लिख लो आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे भी हमारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चा इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट है। ओके नाउ लुक हियर बेटा, जैसे मैंने एक टर्म्स लिखा फीड, तो फीड से हम क्या बना देंगे, फूड बना देंगे। फिर मैंने एक टर्म्स लिखा थिंक, थिंक से हम क्या बना देंगे, थॉट। फिर जैसे मैंने एक टर्म्स लिखा हॉट, हॉट से हम क्या बना देंगे, हीट। फिर मैंने एक टर्म्स लिखा बेटा प्रैक्टिस। याद रखना है टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस से क्या बन जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे मैंने लिखा एडवाइस, तो एडवाइस से बनेगा आपका एडवाइस। याद रखना ये भी टर्म्स आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है स्पीक, स्पीक से बन जाएगा आपका स्पीच। क्या बन गया बेटा, स्पीच। फिर आगे मैंने लिखा चूज, चूज से क्या बन जाएगा आपका चॉइस। इसके बाद है लाइव, लाइव से बन जाएगा बेटा आपका लाइव। इसके बाद बेटा ईटीसी, क्या ईटीसी। अब ध्यान से देखना बेटा, फीड से मैंने क्या बनाया, फूड बना दिया, और थिंक में मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस किया, और इसके बाद हमने क्या बना दिया, थॉट बना दिया, और ओ की जगह हमने क्या लिख दिया इसमें, ई ए टी लिख दिया, तो हीट हो गया। आगे यहाँ पे एस की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, सी लिख दिया है। और सेम केस एडवाइस में भी यही हो रहा है, सी लिख दिया मैंने। और इसको पूरा चेंज कर दिया है, किसको, ए के, इसको चेंज करके हमने क्या लिख दिया इसमें, ई सी एच लिख दिया। और चूज इसमें डबल ओ आएगा बेटा, हाँ, तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे चेंज करके, मीन्स इस ओ एस को हमने किस में कर दिया, आई सी में कन्वर्ट कर दिया। और वी ई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो ध्यान से, एफ ई में कन्वर्ट कर दिया है। सो आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा वो आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही नहीं समझ पाते कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या वर्ब है। ओके सो अब मैं इसी के साथ बेटा अपने क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको आप एक बार नहीं, दो बार तीन बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके सो गॉड, मे गॉड ब्लेस यू।